बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मेरे किचन में बन रहे हैं चिकन अंडा सैंडविच। इसके लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, सिर्फ अंडे, स्प्रेड, ब्रेड और साथ काली मिर्च और थोड़ा सा नमक और दैट्स इट। अंडों को जी हम बॉईल कर लेंगे, ठीक है। उनको इतने भी सख्त बॉईल नहीं करना और इतने नरम भी नहीं रखना है, बस नॉर्मल 5 to 7 मिनट्स तक के लिए, ठीक है। उसके बाद जी हम लोग उसको मैश कर लेंगे। हाथ से भी कर सकते हैं लेकिन इसमें ज़रा फाइन चॉप हो जाता है, तो वो मैं इसलिए इस पर भी कर लेती हूँ, ठीक है। और बाकी जो फिर एग शेल्स रह जाएंगे उसको हम लोग कैंची से, वो नाखून से उसको हम काट लेंगे, ठीक है। वो पीस भी ना मुँह पर जब आते हैं तो मज़ा आता है। उसके बाद हम इसमें अपने वो थोड़े से जो होते हैं इंग्रेडिएंट्स इसमें डलते हैं, जैसे हल्की सी काली मिर्च, नमक ये डालेंगे, ठीक है। और मेरे बेटे को ये सिंपल पसंद है तो मैंने इसलिए इसमें और कुछ भी ऐड नहीं किया, नहीं तो खीरे बहुत मज़ा आता है। और टमाटर खीरे का बीच में डाला जाए, सलाद के पत्ते डाले जाएँ, बहुत मज़ा आता है। लेकिन रूहान को सिंपल पसंद है तो फिर मैं इसको सिंपल ही रखूँगी, ठीक है। उसके बाद जी मैंने काली मिर्च इसमें ऐड कर दी, नमक, ठीक है, ऐड कर दिया। और ये चिकन स्प्रेड है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेयोनीज भी लोग डाल लेते हैं लेकिन इसमें यह है कि इसमें चिकन भी होता है स्प्रेड में, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। उसके बाद जी ब्रेड के हमने जो हैं साइड्स उनको हम लोगों ने इसको अच्छे से पहले तो मिक्स कर लिया, ठीक है, इन सारी चीज़ों को। उसके बाद ही हमने जो ब्रेड लेनी है उसके हमने चारों साइडों को काट लेना है। और इनकी जो चारों साइडें हैं उनको आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, इनको आपने किसी जाली में या ट्रे पे रख के ऊपर से ढक देना है। और इसको किसी मतलब फ्रिज के ऊपर रख लें, माइक्रो के ऊपर रख लें, 2 से 3-4 दिन बाद ये जब अकड़ जाएंगे तो फिर इनको ग्राइंडर में डाल के, मिक्सर में डाल के आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, ठीक है, वेस्ट बिल्कुल ना करें। ये जी मैंने ब्रेड के ऊपर स्प्रेड जो अपनी रेडी की थी वो उसको लगा के फिर मैं आप उसको शेप दे दूँगी, ठीक है। ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, जो भी शेप आपके बच्चे पसंद करें आप वो बना दें, ठीक है। उसके बाद जी इसको एयर टाइट बॉक्स में रखें, सुबह अगर आप बनाएंगे शाम तक बिल्कुल फ्रेश रहेंगे ये, और अगर आप बच्चों को लंच में देंगे बहुत अच्छा लगेगा। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।